आज 28 सितंबर 2020 सोमवार हो चुका है। आप क्लीन न्यूज के माध्यम से तीन कैटेगरी के न्यूज को देखेंगे। बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट काम की खबरें हैं। पहला झारखंड से, जिसमें मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, रोजगार, नियुक्ति, पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, सहायक चिकित्सक से अपडेट देखेंगे। दूसरा देश विदेश, जिसमें देशों के बीच तानातानी, समझौता, खेलकूद, मौसम, सिनेमा, राजनीतिक, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी का भाव से अपडेट देखेंगे। तीसरा योजना, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक ATM, कर्ज माफ, डाक सेवा, रेलवे, हवाई, रिचार्ज ऑफर से अपडेट देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और कौन सा न्यूज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था हमें कमेंट में जरूर बताएं। और न्यूज को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लें और बगल के घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब खबर झारखंड से। जसवंत सिंह के निधन पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का रविवार को सुबह निधन हो गया। वह 82 साल के थे और पिछले 6 साल से कोमा में थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक जसवंत सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट में थे। जसवंत सिंह के निधन पर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख और शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह ने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करने के साथ राजनेता के रूप में मिले विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने जनमानस में अपनी विशिष्ट पहचान कायम की। राज्यपाल ने कहा कि जसवंत भारत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त, विदेश और रक्षा जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किए। ईश्वर उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार दोबारा कांग्रेस में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में पार्टी की हार के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें आप में शामिल करवाया था। तो जाने किस लिए दिया था इस्तीफा? अजय कुमार ने पिछले साल 9 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके 10 दिन बाद दिल्ली में उन्होंने आप ज्वाइन कर ली थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद झारखंड कांग्रेस दो समूह में बंट गई थी। एक का नेतृत्व अजय कुमार, दूसरे का नेतृत्व पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय और अन्य कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब अजय कुमार रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय पार्टी की बैठक में भाग लेने जा रहे थे, तो सहाय समर्थक ने उनके साथ हाथापाई की थी। झारखंड बंगाल में संचालित कारोबार समूह पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप को लेकर वनस्पति घी व अन्य वस्तुओं को उत्पादन करने वाले एक कारोबार समूह पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह जानकारी दी। CBDT ने बताया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में संचालित इस कारोबार समूह के कम से कम 20 आवासीय एवं वाणिज्य परिसरों में शुक्रवार को छापे मारे गए। CBDT ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान खाते की नियमित पुस्तिका के बाहर लेन देन करने, बेहिसाबी नगद खर्च व नगद अग्रिम राशि प्राप्त करने तथा नगद ब्याज अदा करने के ठोस साक्ष्य मिले हैं। CBDT ने यह बयान में कहा, यह समूह वनस्पति घी के उत्पादन, विभिन्न वस्तुओं के कारोबार, रियल एस्टेट, चाय बगान और कलकत्ता में रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है। बयान में कहा गया कि नगद राशि समूह की फर्जी कंपनियों में डाली गई, जिन्होंने रियल एस्टेट कंपनी को ऋण के रूप में दिया गया। झारखंड में उर्दू के रिक्त पदों पर जल्द बहाल होंगे शिक्षक, बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बोकारो जिला अंतर्गत आलरगोर के भंडारीडी में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर राज्य उर्दू शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। इस दौरान संघ ने उर्दू विद्यालय और उर्दू शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से शिक्षा मंत्री को विस्तार से अवगत कराया, जिसे मंत्री ने ध्यान पूर्वक सुना और हर संभव समाधान का यकीन दिलाया। संघ ने मंत्री को जिन समस्याओं से ध्यानाकृष्ट कराया, उसमें योजना मद में बहाल उर्दू शिक्षकों को गैर योजना मद में पदस्थापित करने, अन्य विद्यालय में मर्ज उर्दू स्कूलों को दोबारा उसकी पुरानी स्थिति बहाल करने, उर्दू की पुस्तकें उपलब्ध कराने, उर्दू विद्यालयों में पदस्थापित गैर उर्दू शिक्षकों के स्थान पर उर्दू शिक्षकों को पदस्थापित करने, उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षकों की बहाली आदि मुख्य थी। खबर है देश विदेश से।
चीन के साथ तनाव के बीच बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, देश के हितों की रक्षा करने में अपने सशस्त्र बलों की क्षमता पर यकीन करने की है जरूरत। चीन के साथ जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस की क्षमताओं पर यकीन करने की जरूरत। टाइम्स नॉर्थ को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलसीसी पर जमीनी स्थिति काफी जटिल। जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद। जमकर बरसा दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर भारत से दो दिन में करेगी वापसी। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से अब विदा लेने वाला है। अगले दो दिनों में मानसून की वापसी के अनुकूल हालात देश के किसी भी हिस्से में निराश नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक 26 सितंबर तक पूरे देश में औसत बरसात सामान्य से 9% अधिक हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि राजस्थान और आसपास के इलाकों में 28 सितंबर से मानसून की वापसी के अनुकूल हालात बन रहे हैं। विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी में देश की राजधानी दिल्ली ऊपर बादल को छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। राष्ट्रीय राजधानी तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, यानी दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मन की बात, प्रधानमंत्री ने कहा, नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा, उन्हें जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहीं फल सब्जी बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 29वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव में पूरी सावधानी रखने की सलाह दी। बच्चों को कहानी सुनाने की परंपरा खत्म होने पर चिंता जताई। किसानों को भरोसा दिए कि कृषि बिलों से उनका नुकसान नहीं फायदा होगा, उन्हें जहां ज्यादा कीमत मिलेगी अपनी फल सब्जी वहीं बेच सकेंगे। आखिरी में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और राजमाता सिंधिया के योगदान को याद किया। इन सभी हस्तियों का अगले महीने जन्मदिन है। मोदी की भाषण की प्रमुख बातें, कोरोना के कालखंड में 2 गज की दूरी जरूरी बनाए रखे। इस दौरान कई परिवारों को दिक्कतें भी आई। परिवार के बुजुर्गों ने बच्चों की कहानी सुनाकर समय बिताया। कहानियां संवेदनशील पक्षों को सामने लाती है। जब माँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए कहानी सुनाती है, उन्हें देखना दिलचस्प होता है। लंबे समय तक मैं घुमंतू रूप में रहा हूँ, कई घरों में जाता था, मैं बच्चों की कहानियां सुनता था। वे कहते थे, अंकल चुटकुले सुनाइए, मैं हैरान रह गया। पीएम मोदी बोले, कोरोना संकट से निकलने में दुनिया की मदद करेगा भारत। इस पर ओवैसी का तंज, पहले घर में चिराग बाद में। कोरोना वायरस और चीनी घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर सवाल दागने वाले AIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद अवसुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र में दिए गए संबोधन को लेकर ओवैसी ने कहा कि उन्हें प्रधान कार्यालय को टैग करते हुए पूछा कि अगर आपकी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। सांसद अवसुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ को टैग करते हुए शनिवार को अपने ट्विटर में लिखा, सर क्या आपकी हुकूमत 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी? सर थाली ताली लाइट बंद, 93,379 मौतें, पहले घर में चिराग बाद में। खबर देश के विभिन्न योजनाओं से, मोदी सरकार सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराएगी दाल। केंद्र ने राज्यों को खुदरा बिक्री के लिए प्रसंस्कृत मूंग और उड़द दाल सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीला नंदन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दलहन कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को मूंग दाल 92 रुपये प्रति किलोग्राम तथा उड़द 84 से 96 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो मौजूदा बाजार दरों से काफी कम है। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ डीजल। इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख था। इधर घरेलू बाजार में देखें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर डीजल के दाम में 14 पैसे की कमी की है। यह लगातार तीसरा दिन है जबकि डीजल की कीमतें घटी है। हालांकि पेट्रोल को जस का तस छोड़ दिया गया है, इसकी कीमतों में पिछले 5 दिनों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपये था तो जबकि डीजल 70.80 रुपये की लीटर पर तक घट गया। सम्मान निधि योजना में सेंध, इस राज्य में 5.38 लाख अभ्यर्थी फर्जी निकले। किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिस्टम में सेंध लगाकर तमिलनाडु के फर्जी लाभार्थियों ने करोड़ों रुपए निकाल लिए। सरकार सख्त हुई तो अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए। अगर आप पात्र नहीं होने के बावजूद गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो सरकार आपसे वसूली करेगी। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नरम पड़े टमाटर के तेवर, आलू प्याज ने लगाई हाफ सेंचुरी। अभी भी हरी सब्जियों की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है। टमाटर के तेवर थोड़े कम हुए तो प्याज रुलाने की लगा है। आलू अभी भी 40 से 60 रुपए बीच टिक कर खेल रहा है। एक महीने में प्याज करीब 3 गुना महंगा हो गया। उपभोक्ता मंत्रालय के वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को जारी आलू प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महंगाई के बीच पर अभी भी इसकी दौड़ रुकने वाली नहीं है। रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में बदलाव करेगा या नहीं, जाने एक्सपर्ट की राय। खुदरा मुद्रा स्फीति में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को यथावत रखेगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति पक्ष संबंधी मुद्दों की वजह से खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़ी है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत ने इससे पहले कहा था कि आगे और मौद्रिक कार्रवाई की गुंजाइश है, लेकिन हमें अपने हथियारों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। रिलायंस जियो 35.33% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सर्किल में 35.33% मार्केट शेयर के साथ रिलायंस जियो की धाक बनी हुई है। दिल्ली सर्किल में रिलायंस जियो के नेटवर्क से जून माह के अंत तक 1,83,00,000 से अधिक ग्राहक जुड़े हुए थे। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा के गुरुग्राम एवं फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले दिल्ली सर्किल में आते हैं। मार्च के बाद सबसे ज्यादा सस्ता हुआ सोना चांदी, डॉलर ने बढ़ाई चिंता। कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले सप्ताह सोने और चांदी के कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। मार्च के बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे तेजी से को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इस बीच डॉलर में तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब सोने की मांग में कमी आई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से आर्थिक रिकवरी का अनुमान कमजोर हो रहा है, खासकर यूरोप में। हेल्थ इंश्योरेंस पर मोटा प्रीमियम देने का झंझट खत्म, अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह कर सकेंगे पेमेंट। 30 साल की उम्र में 20 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर हर साल 13,000 रुपये खर्च करने होते हैं। अधिकतम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में हिचकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान आ गया है। डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर कर रहा है। आपको इसका प्रीमियम अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या EMI की तरह भरना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDIA ने सितंबर 2019 में ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मासिक प्रीमियम पेमेंट की अनुमति दी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।